अगर हम हल का हिस्सा नहीं है तो हम एक समस्या है। अनजान होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। आपकी बाधा जितनी बड़ी होगी, आपको अवसर भी उतना ही बड़ा मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जीतने वाले लोग लाभ देखते हैं और हारने वाले लोग दर्द देखते हैं। लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं कि आप कितना जानते हैं, वो तो यह जानना चाहते हैं कि आप कितना ख्याल रखते हैं। जीतने वाले लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि हिम्मत का मतलब तो डर पर काबू पाना है। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को नष्ट नहीं करेगी, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। चरित्र का निर्माण तब शुरू नहीं होता है जब बच्चा पैदा होता है। चरित्र का निर्माण बच्चे के पैदा होने से 100 साल पहले से शुरू हो जाता है। नारे लगाने से कोई देश महान नहीं बन जाता है। एक बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर बोलता है, परंतु एक बेवकूफ बिना सोचे समझे बोलता है। आप जितनी बहस जीतते हैं, उतने ही आपके फ्रेंड्स कम होते जाते हैं। कठिन हालातों में धैर्य और हौसला आपको बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं। धैर्य से एक इंसान बड़ी से बड़ी चीज पर काबू प्राप्त कर सकता है। छोटे लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं, बीच के लोग चीजों के बारे में बातें करते हैं, और महान लोग सुझाव के बारे में बातें करते हैं। जीतने वाले बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। कठिन परिश्रम के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती है। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती। घटिया लोग भाग्य में विश्वास करते हैं, हिम्मती और पक्के इरादे वाले लोग वजह और उसके नतीजों में विश्वास करते हैं। जब मौका आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते हैं, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। हमको एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते समय हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत छोड़े और तुरंत काम पर अमल करना सीखे। सही एटीट्यूड के बिना सफलता व्यर्थ होती है। हर ठोकर के लगने के बाद स्वयं से पूछे कि हमने इस तजुर्बे से क्या सीखा, तभी हम रास्ते के रोड़ों को कामयाबी की सीढ़ी बना पाएंगे। असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कोशिश ही नहीं करना यकीनन अपराध की श्रेणी में आता है। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नेगेटिव लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। सीमित सोच के सहारे आप कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। क्रोध इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। ये सारे विचार शिव खेड़ा जी के थे। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि काफी जबरदस्त तरीके का स्पीच देते हैं, जो कि लाइफ को चेंज करने के लिए इनके शब्दों से लोग ओतप्रोत हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी बातें अच्छी लगती है तो आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर, वहां पर इनकी वीडियोस हैं, जहां पर आप देखकर उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।